Hey. Hey. सर, ये नशे में है, पीकर गाड़ी चला रहा था इसलिए पकड़ लिया। हमने इसकी फोटो अपने सभी स्टेशनों पर भेज दी थी। मधुर वाला स्टेशन के सब इंस्पेक्टर इसे पहचाना और इसे यहाँ भेज दिया। स्टोर रूम में ले जाओ। यस सर। तुम उस रात कहां थे? मुझे शायद ही याद है कि दो मिनट पहले क्या हुआ था। आप मुझसे कैसे उम्मीद कर? वाह, मैं होश में वापस आ गया हूं। सवाल का जवाब दो। मुझे याद करने के लिए कुछ वक्त दो सर। उस दिन मेरा दोस्त ठीक नहीं था, उसे तेज बुखार था, इसलिए मैं उसके साथ था। मैं अपने कमरे में चला गया था उसको दवाई देने के बाद। दोस्त का नाम क्या है? वैमा। बाजार स्ट्रीट पर उसकी एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट की दुकान है। इसके दोस्त के बारे में सारी जानकारी पता करो। ठीक है सर। सारथी, जरा स्टेशन पर जल्दी आओ। हाँ, अभी बताओ। ये 36 है, 24 36। ऐ, दरवाजा नंबर 36, गली नंबर 24, विजाग 36। पता आपने यही तो पूछा था। डर के आपने देखा, इसके हाथ में लड़की का रुमाल है। ऐ, क्या तेरे पास नेल पॉलिश और लिपस्टिक भी है? हाँ? हे, माफ करना। मैम, क्या ये आपका रुमाल है? तो गौरी शंकर शर्मा और उत्तर प्रदेश, January 12th, 1990। गौरी शंकर, ये कुछ फैसले की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है बे? किसी भी तरह की मारपीट या टॉर्चर कोर्ट के हिसाब से जुर्म है। ये क्या कह रहा है? सुना नहीं आया, समझ में नहीं आया। मैंने सुना लेकिन समझ में नहीं आया। ये कानून के खिलाफ है पूछताछ के लिए लाए गए आदमी पर हाथ उठाना। सिर्फ शारीरिक दर्द ही नहीं, लेकिन किसी भी तरह का गलत व्यवहार, ये भी अपराध है। IPC धारा 330। क्या आप नहीं जानते? इसे से 5:30 बजे घर जाने का पता है। प्रितपाल सिंह और पंजाब राज्य। इस तरह एक सब इंस्पेक्टर शारीरिक रूप से चोट पहुंचाने के नियम से अनजान उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। साथ ही उसे ऐसा करते देखने वाले पुलिस वालों को भी, जो इसे चुपचाप देख रहे थे। किसी को भी नहीं बख्शा गया। उसे इस तरह से मारा कि पता ही ना चले। मुश्किल सजा। रघुवीर सिंह और हरियाणा राज्य। क्या आप नहीं जानते? हेड कांस्टेबल जिसने एक संदिग्ध को मारने के लिए दूसरे कांस्टेबल को आदेश दिया और दूसरे कांस्टेबल, दोनों को अदालत ने 8 साल की कैद दी। आज तक दोनों कांस्टेबल एक ही जेल में हैं। एक ही जेल। सुधा, यहाँ क्यों?
मैं अपना नाम लिस्ट में नहीं चाहता हूँ। सुधाकर पासपुला आंध्र प्रदेश आज का केस माफ करना।